सीएम योगी के साथ साथ उनके मंत्री भी पूरे एक्शन में है। रात दिन मंत्रियों की छापेमारी चल रही है। इसी छापेमारी के तहत अब अखिलेश सरकार का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट जनेश्वर मिश्रा पार्क भी योगी सरकार के जांच के घेरे में आ गया है। पार्क समाजवादी पार्टी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर बनाया गया है, लेकिन आरोप है कि पार्क को सजाने में जरूरत से ज्यादा खर्च किए गए। फिजूल खर्ची का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्क में लगी एक एक लाइट की कीमत है 1.25 लाख रुपए। योगी सरकार में आवास मंत्री सुरेश पासी ने बुधवार को पार्क का मुआयना किया और फिर कहा कि पार्क में बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच होगी और घोटाला करने वाले पकड़े जाएंगे। हर सामान पर जरूरत से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इस पार्क को हमें देखकर ये लगा कि जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उस पैसे की यहाँ बर्बादी हुई है पूरी तरीके से। इसमें पिछली सरकार भी लिप्त है और जो अधिकारी वो भी लिप्त है पूरी तरह से। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये है कि जो हमारे राष्ट्र का ध्वज है उसके नाम पर भी इन्होंने लूट कर लिया। आप देखिए सामने जो ध्वज लगा हुआ है 1.25 करोड़ का है, इधर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है 9 लाख की है, और जो खंभे वाली लाइटें लगी हैं 1.25 लाख की है। टोटल लिप्त है इसमें, जहां से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जहां अंत हुआ है। मंत्री और जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो सब शामिल, अब सब में तो सब आ गए ना, टोटल कोई भी उसमें हो सब आ गए। आज जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आदेशित किया है कि आप जाकर मौखिक देकर उसका कीमत आकलन करके बताइए, हम अपनी रिपोर्ट उनको सौंपेंगे। कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई ना होना होता तो ये जांच ना होती।